जिस पल का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है वो पल अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2023 के साल के अंत का, जो है ना फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है। बस अब 2 से 3 महीने जो है ना इस साल को खत्म होने के लिए रह चुके हैं, और ऐसे में जो है ना कई लोग होते हैं जो अपना साल का पूरा ओवरऑल बजट तैयार करके रखते हैं कि हम जब फेस्टिव सीजन आएगा तो एक नई गाड़ी लेंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो फेस्टिव सीजन के अंदर न्यू लॉन्च गाड़ी भी लेना चाहते होंगे, जो सर्च कर रहे हैं कि भाई हाँ कोई नई गाड़ी आएगी और हम फेस्टिव सीजन के अंदर उसको बुक करवाएंगे और हम जल्दी से जल्दी जो है ना उसको अपने घर लाना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि अब जो है ना साल का अंत होने ही जा रहा है और फेस्टिव सीजन भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है ना आप लोग के सामने आने वाला है। तो इस फेस्टिव सीजन के अंदर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ काफ़ी सारा जो है ना नए नए जो है ना प्रोडक्ट्स आप लोगों को मार्केट के अंदर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ेदार ये वीडियो आज की रहने वाली है, क्योंकि 9 से 10 गाड़ियाँ मैं आप लोग को ऐसी बताने वाला हूँ जो आप लोगों को आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी जो है ना प्रोडक्ट्स आप लोग को यहाँ पे इस बार जो है ना मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं एक न्यू गाड़ी लेने के लिए, या फिर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोई नई नेक्स्ट जनरेशन का, तो आप लोग को जो है ना इस साल के अंत में या 2024 के शुरुआत में आप लोग को वो गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अपने इस लिस्ट की जो है पहले नंबर पर जो गाड़ी आ रही है वो है होंडा की तरफ से WRV, और ये जो है ना एक कॉम्पैक्ट 5-सीटर SUV आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएगी, जो कि आप लोगों को 10 से 15 लाख रुपए के रेंज के अंदर आप लोगों को ये गाड़ी यहाँ पे मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अमेज के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये बेस्ड रहेगी और इंस्पायर रहेगी होंडा अमेज से ही। तो आप लोगों को जो है ना अमेज की याद आएगी जब आप इस गाड़ी को देखेंगे WRV को। और इसमें आप लोग को जो है ना रडार बेस्ड सेंसर भी आप लोग को मिलेगा। अगर ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड CVT के साथ ही आप लोग को गियरबॉक्स प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे इसके इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीमियम होगा इंटीरियर भी, और इसमें आप लोगों को 10 इंच का जो है ना टच स्क्रीन मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने में लगेगा आप लोगों को। वायरलेस चार्जर जैसे भी आप लोगों को फीचर्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग को इसके अंदर मिल जाएगा, और ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक कॉम्पैक्ट लगेगी आप लोग को, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी इस गाड़ी का डिज़ाइन होगा। आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर लॉन्च डेट की बात करूं तो दिसंबर के महीने में जो है ना ये आप लोग को यहाँ पे मार्केट में आप लोग को ये अवेलेबल हो जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे जो है ना निसान की ज्यूक आ रही है 5 सीटर की, ये भी आप लोग को जो है ना ये प्रोवाइड करेगी और एक प्रीमियम SUV के उसमें सेगमेंट में आ रही है। इसकी जो डिज़ाइन है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आप लोग को इसके लगने वाले हैं, इंटीरियर बोलो चाहे लुक्स के मामले में बोलो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव होंगे सब कुछ। और 1.6 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस 6-स्पीड ऑटोमेटिक भी आप लोग को ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। अपडेटेड फीचर्स आप लोग को इसके अंदर मिलेंगे, बिग स्क्रीन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, और सनरूफ भी आप लोग को इसके अंदर हो सकता है, पैनोरामिक वाला सनरूफ आप लोग को इसके अंदर मिल जाए। सेफ्टी को देखते हुए इसके अंदर आप लोग को एडास भी मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो रखी जाएगी 9 से लेकर 14 लाख रुपये तक आप लोग को ये मिल जाएगी, और मार्केट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर इसकी लॉन्च डेट की मैं बात करूं तो ये आप लोगों को नवंबर महीने के अंदर ये प्रोवाइड करा दी जाएगी, गाड़ी देखने को मिल जाएगी नवंबर के महीने में। बाकी अब तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में आ जाती है आपकी निसान की कैशकाई, और ये भी एक प्रीमियम क्रॉसओवर कॉम्पैक्ट SUV के रेंज में आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना प्रीमियम होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं इसका नाम ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है, जो कि कैशकाई इसका नाम है। और इसकी रेंज की मैं बात करूँ तो आप लोगों को ये 13 से 18 लाख रुपए तक जो है ना इसकी यहाँ पे प्राइस रखी जाएगी। इंजन ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 1.5 लीटर का ई पावर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को इसके अंदर मिलेगा, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड DCT के साथ भी ये आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रीमियम आप लोग को लगेगा, और इसके अंदर आप लोग को डुअल टोन कलर का जो है ना डैशबोर्ड भी मिल जाएगा। गाड़ी भी आप लोग को जो है ना डुअल टोन में ही मिलेगी। बिग स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा। आजकल जो है ना हर गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा तो अब नॉर्मल ही हो गया है, मतलब आने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं वो सारी जो है ना आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा वगैरह तो आप लोगों को दे ही रही है। बाकी लॉन्च डेट की बात करता हूँ मैं इसकी, तो ये आप लोगों को जो है ना अक्टूबर 2023 के अंदर ये मार्केट के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी।
बाकी यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे टोयोटा की तरफ से आ रही है, जिसका नाम रैव 4 है। ये सी सेगमेंट की क्रॉसओवर है, एक एसयूवी आप लोगों को जो है ना मिलेगी, और इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये स्पेशली आप लोग को जो है ना स्पोर्टी, इसकी जो है ना लुक्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टाइप की रखी जाएगी, बॉक्सी आप लोग को जो है ना गाड़ी लगने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी भी आप लोग को लगेगी, सच में बता रहा हूँ। पर्सनली मुझे तो इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसमिशन आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े है। इसमें आप लोग को इंटीरियर के फीचर्स, जो इंटीरियर में फीचर्स मिल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को नेक्स्ट लेवल की मिलेंगे, और प्रीमियम नेस के आप लोग को कोई भी कमी इसके अंदर महसूस नहीं होगी। डुअल टोन डैशबोर्ड आप लोग को मिलेगा, बिग स्क्रीन मिल जाएगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, 360 डिग्री कैमरा जैसा कि हर गाड़ियाँ प्रोवाइड करा रही है वो भी आप लोग को मिल जाएगा इसके अंदर। बाकी अगर आप लोग को इसकी रेंज की मैं बात करूँ, मतलब अगर ये कितना चलेगी, क्योंकि आप लोग को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है इसके अंदर, तो आप लोग को ये 25 से 26 के MPL नॉर्मल आप लोग को, इतना तो ये कंपनी क्लेम कर रही है, एक बड़ी सी सेगमेंट की क्रॉसओवर होने के बावजूद भी। बाकी ये जो प्राइसिंग रखी जाएगी इसकी, 15 से 20 लाख रुपए की जो है ना प्राइसिंग यहाँ पे रखी जाएगी। और इसकी अगर ट्रांसमिशन की बात करूँ, तो 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोग को मिलेगा, जो कि 8 स्पीड ECVT गेयरबॉक्स के साथ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो नवंबर 2023 में ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे अपनी देश का लोहा जो है ना नेक्स्ट गाड़ी आप लोग के लिए लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली सियेरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चली हुई थी, आप लोगों ने पिछले ऑटो एक्सपो में भी ये देखी होगी। सियेरा ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आप लोग को देखने को मिल रही थी वहाँ पे, बस वही जो गाड़ी अब आप लोग को जो है ना मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली बहुत ही जल्दी। इसमें आप लोगों को जो है ना फुल कनेक्टेड LED DRLs मिल जाएंगे, इसमें पैनोरामिक सनरूफ आप लोग को मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग को मिल जाएगा, कनेक्टेड टेल लाइट्स आप लोग को मिल जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आप लोग को मिल जाएंगे, एडास एज ए सेफ्टी के तौर पे आप लोग को इसमें दिया जाएगा। और इसकी अगर बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 65 किलो वाट के लिथियम आयन बैटरी आप लोग को इसके अंदर दे रहे हैं, जिसकी जो रेंज है ये कंपनी क्लेम कर रही है वो 400 से लेकर 450 किलोमीटर की रेंज होगी। बाकी बैटरी बैकअप जो है ना अलग अलग टाइप की आप लोग को इसके अंदर हो सकता है दिया जाए। बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आप लोग को मिल जाएगा, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन होगा इसमें, और बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, वेंटिलेटेड टाइप के सीट्स मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जैसे स्टेयरिंग में इल्यूमिनेटेड लोगो आप लोगों को नया वाला जो इंट्रोड्यूस किया था नेक्सॉन के अंदर वही मिल जाएगा, और आप लोगों को वायरलेस चार्जर भी इसके अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लॉन्च डेट की बात करें, तो दिसंबर में आप लोगों को जो है ना ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी 2023 के अंदर ही। तो नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना फॉक्स वॉगन की तरफ से पोलो की नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों को मार्केट के अंदर मिलने वाली है, जो कि फुल जो है ना आप लोगों को कस्टमाइज की गई हुई गाड़ी मिलेगी, जिसका जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी ज़्यादा नया डिज़ाइन के साथ ही आने वाली है, और फ्रंट फेशिया जो है इसका पूरी तरीके से चेंज किया गया है। न्यू प्रीमियम आप लोग को इसके अंदर हेडलाइट्स भी मिल जाएंगे, जो आगे हेडलाइट्स है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन के आप लोग को मिल जाएंगे, एडास भी आप लोग को मिल जाएगा इसके अंदर, और इसके जो इंटीरियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अलग आप लोग को मिलेंगे, नया कैबिन आप लोग को मिलेगा, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा, भाई 360 डिग्री कैमरा तो आप लोग को अब हर गाड़ियों में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। बाकी अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो 11 से 17 लाख रुपये तक ये आप लोग की जो है ना यहाँ पे इसको उतारा जाएगा मार्केट के अंदर। बाकी अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पे 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा आप लोगों को, जो कि 100 BHP आप लोग की जनरेट करेगा पावर, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन होने वाला है इसके अंदर, जो कि पहले भी आप लोग को इसमें ऐसे ही मिलता था। और ट्रांसमिशन में अगर गेयरबॉक्स की बात करें, तो मैनुअल प्लस AMT CVT के साथ ही आप लोग को मार्केट में मिलेगी, और इसके अंदर ये अब आप लोगों को दिसंबर 2023 में या 24 के पहले क्वार्टर तक आप लोग को मार्केट के अंदर ये मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फॉक्सवैगन के जो दीवाने थे पोलो के GT के, अब जो है ना उनका इंतज़ार धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। बाकी नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ रही है टोयोटा की तरफ से टोयोटा रश, ये एक 7-सीटर लेआउट वाली MPV भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि 7-सीटर लेआउट में आप लोग को ये गाड़ी मिलेगी। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी होने वाली है इस सेगमेंट के अंदर, जिस तरीके से इस गाड़ी को हम देखते हैं। इसकी जो लाइट्स है वो LED के सेटअप में आप लोगों को मिलेगा, स्कीड प्लेट्स आप लोग को इसके अंदर मिल जाएंगे, बट जो डिज़ाइन और आप लोगों को लुक्स लगेंगे वो थोड़े से आप लोगों को जो है ना डिसेंट टाइप के लगेंगे इसके अंदर। और इसके जो इंटीरियर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाएंगे, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आप लोगों को, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोगों को मिलेगा, और इसमें आप लोगों को जो पीछे के सीट होंगे वो 60-40 स्प्लिट सीट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें। और इसमें आप लोगों को अगर एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर आप लोगों ने देखी होगी, तो
थोड़ा थोड़ा जो डिज़ाइन है ना उसी से इंस्पायर इसको किया जाएगा, बनाया जाएगा। बाकी अब इसमें बात कर लेते हैं तो ये आप लोगों को 11 से 16 लाख रुपए तक के रेंज में ये आप लोगों को मिल सकती है। इंजन की बात करते हैं तो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा जो कि 103 bhp की पावर जनरेट करेगा और मैनुअल AMT के साथ आप लोग को ये मिल जाएगी। बाकी अगर लॉन्च डेट की बात करें तो अक्टूबर 2023 में आप लोग को ये गाड़ी मिल जाएगी मार्केट के अंदर। तो अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आने वाली है Hyundai की तरफ से क्रेटा फेस लिफ्ट। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्पाई शॉट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना देखे गए हुए कि टेस्टिंग पे चली हुई है। तो अब जो है ना इसके भी धीरे धीरे अब आ रहा है समय जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। एक्सटीरियर का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा, कनेक्टिव टेल लाइट्स आप लोग को मिल जाएगी इसके अंदर। न्यू डिज़ाइन आप लोग को जो है ना स्प्लिट हेडलाइट्स इसके अंदर मिलेगी, जो हेडलाइट्स की जो डिज़ाइन है वो स्प्लिट टाइप के आप लोग को मिल जाते हैं, ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं। एल शेप के DRL भी मिल जाएंगे, न्यू ग्रिल आप लोग को मिल रहा है और न्यू बम्पर भी मिल जाएगा इसके अंदर। न्यू अलॉय व्हील्स भी आप लोग को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हुए। एडास का Level 2 आप लोग को इसमें सेफ्टी फीचर दिया जा रहा है। 360 डिग्री कैमरा तो आप लोग को मिलेगा ही, बिल्ट इन डैश कैम भी इसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इंजन के बारे में बात करते हैं तो दो टाइप के आप लोग को इंजन ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन भी आप लोग को मिलेगा। और इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो 12-13 लाख रुपए से लेकर शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जो है ना ये आप लोग की चली जाएगी। अगर ट्रांसमिशन के बारे में गियर बॉक्स में बात करते हैं तो मैनुअल प्लस CVT और ECVT के अंदर आप लोग को ये मिलेगी। दिसंबर 2023 के अंदर ये गाड़ी आप लोग को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि कन्फर्म आप लोग को किया जा रहा है। और अब इस लाइन की जो है ना लास्ट गाड़ी के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है जीप मोटर्स की तरफ से एवेंजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चली हुई थी पीछे भी। ये एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम SUV आप लोग की सेगमेंट के अंदर आने वाली है। इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आप लोग को ये लगने वाली है, इसके लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन है इसका। और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए की रेंज में आप लोगों को रखी जाएगी। इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है जो कि 90 bhp और 130 nm का टॉर्क ये जनरेट करेगा। ये मैनुअल प्लस आप लोगों को AMT के साथ ये गाड़ी आप लोग को मिलेगी। इसके इंटीरियर की बात करते हैं थोड़ी सी तो अप टू डेट आप लोग को इसके इंटीरियर में आप लोग को फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को जो है ना छोटा सा क्लू कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा, एम्बियंट लाइट वगैरह आप लोग को मिलेगी इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स भी आप लोग को मिलेंगे, साथ ही में आप लोग को जो है ना 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर दिया जाएगा। लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2023 के अंदर जो है ना ये गाड़ी आप लोग को यहाँ मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये थी कुछ गाड़ियाँ जो कि मार्केट के अंदर आप लोग को फेस्टिव सीज़न में देखने को मिलेगी या फिर आगे पीछे भी हो सकता है गाड़ी आप लोग की आ जाए। बाकी कौन सी गाड़ी का वेट आप लोग कर रहे थे और कौन सी गाड़ी आप लोग को बेस्ट लग रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और फेस्टिव सीज़न का आप लोग आनंद उठाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे आते रहती है, इसलिए जो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लोग रखना अपना ध्यान, मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और आप लोग का दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।